हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम हमारे जो वेबसाइट है उसको समझेंगे क्या है और कैसे स्टाइल करते हैं। तो गाइस, ये सुरति टेक्निकल। सो गाइस, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। तो मैं सर अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। ये रहा और अभी ओपन हो गया। मैं ज़रा फाइल ओपन फोल्डर यहाँ से डेस्कटॉप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ एज नेम। हाँ, PASIC बेसिक वेब डेवलपमेंट क्रिएट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑल राइट, हो गया। आप देख सकते हैं कि बेसिक वेब डेवलपमेंट एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं index.html। ये वाले मैं पेज को क्लोज कर दो। सबसे पहले ये इसे कहते हैं बेसिक HTML कोड। तो ये कोड ना हो तो आपका पेज चलेगा नहीं। हाँ, ये जो डॉक टाइप HTML, यानी कि अब हम HTML का कोड लिखने वाले हैं। HTML का टैग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हेड टैग, ये जितने भी टैग है ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये जो ये तीन टैग है वो एक्सटर्नली यूज होते हैं, अभी हमें उसके कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको बैक स्पेस कर देता हूँ। HTML लैंग इज इक्वल टू इंग्लिश, यानी कि अब हम लैंग्वेज देने वाले इंग्लिश। सबसे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में करा था वो कर देते हैं। सिंपल H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड और सब्सक्राइब SCBSCRIBA सब्सक्राइब टू माय CHWNEL चैनल। गो लाइव हो, लाइव सर्वर ऑन कर देता हूँ। तो ये ऑन हो गया। हेलो वर्ल्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये इतना ब्लैंक स्पेस क्यों दिखाई दे रहा है? ज़रा रिफ्रेश करता हूँ। पता नहीं कहीं से ब्लैक स्पेस क्यों दिखाई दे रहा है। पता नहीं कोई ओके, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये तो वेबसाइट का भी नहीं है। एनीवे, तो सबसे पहले हमारा टाइटल चेंज करते हैं। एज टाइटल क्या रखे, चलो ठीक है, सुरति टेक्निकल रख दिया। तो इसे कहते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग यहाँ पे जो टाइटल दिख रहा है वो प्रोटेक्ट करता है, ये जो टाइटल है वो दिखाता है, जो भी टाइटल लिखना है वो। अगर आप ये टाइटल टैग ना दोगे तो आपका जो URL है, जब पब्लिश करने के बाद जो URL होगा आपकी वेबसाइट का, वो वहाँ पे दिखाई देगा। इसलिए उपस ये क्या हुआ, इसे कहते हैं टाइटल टैग। ये हेलो वर्ल्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसे कहते हैं हेडिंग टैग। जैसे वर्ड में होता है ना हेडिंग टैग, आपको तो पता ही होगा। आपको ये क्या होगा, मैं अभी लाइब्रेरी ऑफिस राइटर ओपन करता हूँ। ये क्या होगा, यूबंटू सॉफ्टवेयर के ओपन हो गया। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते कि यहाँ पे कहाँ चला गया, हेडिंग वन टैग, हेडिंग टू टैग होता है यहाँ पे कहीं। हाँ, ये रहा हेडिंग वन, हेडिंग टू, डिफॉल्ट स्टाइल, ये जो सारे होते हैं ना, वैसे ये हेडिंग वन यानी कि H1 टैग्स। अब H2 टैग, बेसिकली जैसे HTML के अंदर जो ओपनिंग टैग होते हैं और क्लोजिंग टैग, जैसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं और टैग बोलते हैं, टैग के अंदर जो लिखते हैं वो वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे हेडिंग टू टैग देता हूँ और यहाँ पे भी हेडिंग टू, और रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया।
कंट्रोल डी कर देता हूँ, यानी कि डबल सिलेक्ट हो जाएगा। हेडिंग 3 यानी कि S3 टैग, तो ये और छोटा हो गया। हेडिंग 4 H4 टैग यानी कि हेडिंग 4, तो ये थोड़ा और छोटा हो गया। और ये हेडिंग 5 थोड़ा और छोटा हो गया, और हेडिंग 6 ये लास्ट है। ये सबसे छोटा देख सकते हैं कि इसको जूम करना पड़ता है। ओप्स, तो भूल गया, मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, क्रोम की एबिलिटी नहीं आती। देख सकते हैं 500 तक जूम करते हो तब इतना बड़ा दिखता है, फिर से नॉर्मल। ओके, तो फिर से H1 टैग यूज कर देता हूँ। ओके, ऑटो रिफ्रेश ही है। ओके, आपको यहाँ पे फाइल में जाना है और ये ऑटो सेव को टिक कर देना है, ताकि आपको बार बार कंट्रोल एस प्रेस ना करना पड़े। ओके, ये जो वेब बेसिक वेब डेवलपमेंट। ओके चलो, अब हम क्लास यूज करते हैं। तो क्लास के लिए CLASS, इसे कहते हैं क्लास, यानी क्लास और एट्रीब्यूट्स। क्लास की मदद से हम स्टाइल कर सकते हैं। सिर्फ क्लास नहीं, सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं, बहुत सारे कामों के लिए यूज होता है क्लास। लाइक कुछ एनिमेशंस शो कराने के लिए, या फिर कुछ स्टाइलिंग करने के लिए। ऐसे क्लास के साथ एक और चीज़ आती है, वो है आईडी। जैसे कि किसी की हम आईडी, जैसे स्कूल में जाते हैं तो उसकी आईडी, कॉलेज में जाते हैं तो उसकी आईडी, सबकी आईडी होती है। तो वैसे भी H1 की एक आईडी, स्पेसिफिक आईडी होती है। जैसे कि अभी सूर लग देता हूँ, सूर। अभी तो कुछ चेंजेस होगा नहीं, क्योंकि हमें इन सब एलिमेंट को कहते हैं एट्रीब्यूट। ये हमेशा जो टैग है उसको एक स्पेस छोड़ के करते हैं, तो इसे कहते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट, जिसमें हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी अच्छा, यानी कि हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, और अब रिफ्रेश मारता हूँ। पूछा क्यों नहीं लैंग्वेज के लिए, पता नहीं। इंग्लिश लेट्स से के फ्रांस, पता नहीं, पूछ नहीं रहा। एनीवे, समझ तो आ गया ना आपको। ओके, आपको समझ तो आ गया। लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश, यानी कि अभी EN यानी कि इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म है। इसे कहते हैं हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम जो हमारे हेडिंग के फाइल्स होते हैं, जैसे हम ऐड करना चाहते हैं, किसी के भी फाइल्स हम ऐड करना चाहते हैं, आइकन सेट करना चाहते हैं, तो वो हम हेड टैग के अंदर यूज करते हैं। ओके, हेड टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर हम हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम शो कराना चाहते हैं अपने वेबसाइट के, वो बॉडी टैग के अंदर यूज होते हैं। और HTML टैग ये सब को हैंडल करता है। H1 आईडी, अभी आईडी नहीं देता तो इसे कहते हैं टैग्स। टैग्स एस बहुत सारे टैग होते हैं, लाइक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। एक ऐसे टैग, इसे कहते हैं ओपनिंग टैग, और इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग, जिसके अंदर जो ओपनिंग टैग का सेम टू सेम होता है, लेकिन जो ओपन ब्रैकेट होते हैं उसके बगल में एक फॉरवर्ड स्लैश या फिर स्लैश बोल सकते हैं, वो ऐड हो जाता है। देन एक और टैग होता है, जैसे कहते हैं हम जिसको कोई ओपनिंग टैग होता है लेकिन क्लोजिंग टैग मेंशन नहीं होता, इमेज टैग। देखिए यहाँ पे अगर मैं स्लैश यूज करूँ ना, तो ये बॉडी टैग यानी कि बॉडी का क्लोजिंग टैग आ गया। हम इसको भी ऑटो क्लोज, इसे कहते हैं ऑटो क्लोज टैग। अगर आप क्लोजिंग टैग के आकर एक फॉरवर्ड स्लैश डाल दोगे तो एक ऑटो क्लोज टैग। अब हम यहाँ पे कोई इमेज शो करा सकते हैं, सिंपल है। ओके, नाउ हम क्या करते,
सबसे पहले हम अब स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले तीन तरह के स्टाइलिंग होते हैं, एक एक्सटर्नल स्टाइल, एक इंटरनल स्टाइल और एक इनलाइन स्टाइल। इनलाइन सबसे पहले एक्सटर्नल स्टाइल। एक्सटर्नल स्टाइल वो होते हैं जिसे हम न्यू फाइल क्रिएट करके करते हैं, लाइक एक CSS की फाइल कहते हैं। सो HTML और CSS का फुल फॉर्म बता देता हूँ। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज और CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, तो चलो हम स्टाइलिंग करते। तो यूनिवर्सल ऑपरेटर आपको देना ही देना है, वो पूरी की पूरी हमारी जो वेबसाइट है, जो बॉडी टैग है उसे ऐसे छोटे से में लिख सकते हैं। तो यूनिवर्सल ऑपरेटर लिख के मार्जिन, आपको तो पता है मार्जिन क्या होता है, और मार्जिन यानी कि बाहर का, और पैडिंग यानी कि अंदर के स्पेस। तो मार्जिन और पैडिंग जीरो। ओह थैंक यू। मार्जिन पैडिंग जीरो। अब आप देख सकते हैं कि कोई चेंज नहीं आ रहा। इसको रिफ्रेश भी करता हूँ, कोई नहीं, ये तो ऑटो सेव अनेबल ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी क्यों नहीं आ रहा। हमें इसको लिंक तो करवाना पड़ेगा, ऐसे कैसे इसका कनेक्शन इसके हो जाएगा, लिंक तो कराना पड़ेगा ही ना। तो लिंक टैग हमें यूज़ करना है। तो स्टाइल शीट रखना है रेलिवेंट रेल स्टाइल शीट, और HREF के अंदर हमें उस फाइल का नाम देना है। तो स्टाइल STYO इंडेक्स है, सॉरी index.css। तो आप देख सकते हैं कि अब ये इसकी मदद से चिपक गया है यहाँ से। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे फाइल शो कराता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे डेस्कटॉप का राइट अभी भी आ रहा है, क्या बात है गाइस। सर मैं इसको क्लोज करके वापस ओपन करता हूँ। ओके, एक ओपन ए न्यू विंडो। ओके, अब सर LOCALHST लोकल पोस्ट पोर्ट नंबर कौन सा 5500। ऑल राइट, आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ से एक भी स्पेस अंदर नहीं छोड़ रहा था। जैसे हमने मार्जिन और पैडिंग दिया वैसे स्पेस नहीं छोड़ रहा। अब इसको कमेंट यानी कि कोड तो रहेगा लेकिन वो यूज़ नहीं होगा, ऐसे कहते हैं कमेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है। देखो यहाँ पे यहाँ पे स्पेस है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस है। सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ये अनकमेंट किया ये यूज़ हो गया और स्पेस बिल्कुल नहीं है। इसको कंट्रोल माइनस करके वापस डिफॉल्ट वैल्यू पे ला लेता हूँ। ओके, हेलो वर्ल्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे करते हैं हम स्टाइल। तो किसी ये तो हम एक HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए यूज होता है बॉडी। तो बॉडी और बॉडी टैग, एक बॉडी टैग एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है। H1 टैग और कोई और भी टैग, कोई और टैग डाल देता हूँ, लाइक H2 टैग, Heading 2। Heading 2 टैग के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, कुछ भी, अभी के लिए कुछ भी लिख लेता हूँ। और ऐसे हम डायरेक्ट एलिमेंट का नाम यूज़ करके हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल करना है तो क्या, तो ये कर्ली ब्रेसेस या फिर आप कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हो, कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हो, वो भी यूज़ हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले हम कलर करते। तो कलर आप ऐसे कोई भी कलर दे, लाइक मैं अभी दे रहा हूँ कौन सा ब्लू, हाँ ऑरेंज दे देता हूँ। ओ नहीं, ऑरेंज नहीं, सैफ्रन, SAFFRON। लगता है कि सैफ्रन आता नहीं है,
नहीं वो तो ऑरेंज दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर अब ऑरेंज में चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर अब ऑरेंज में चेंज हो गया है। वैसे हम इसका भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आपको दोनों के दोनों H2 टैग में चाहिए, यानी कि ये H1 का भी ये H2 टैग के अंदर चाहिए, तब क्या करेंगे? इसको मुझे चाहिए ग्रीन और इसको चाहिए मुझे ऑरेंज, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास। इन दोनों के लिए हमें अलग अलग क्लास यूज़ करना पड़ेगा या फिर आईडी। तो सबसे पहले क्लास देखते हैं। तो सबसे पहले क्लास यूज़ कीजिए, ओके। और क्लास के अंदर दीजिए लेट्स से के एच टू वन, एच टू हाइफन वन। आप देख सकते हैं एच टू हाइफन वन दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हम इसको सबसे पहले कॉपी कीजिए, मैं इसको कंट्रोल से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऐसे तो कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ एक एलिमेंट को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है डॉट। डॉट रिप्रेजेंट ए क्लास। और यहाँ पे अब हम देंगे कलर डार्क, सॉरी ग्रीन हो गई, डार्क ग्रीन। इसलिए तो सोचो कि कब का क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कॉलन नहीं दिया था। गाइस अगर आप कॉलन या फिर कर्ली ब्रैकेट भूल जाओगे ना, तो कुछ नहीं, तो आपका स्टाइल नहीं होगा। देखो अभी भूल गया तो मेरा ऑटो वो जो नहीं आ रहा था। ओके तो कलर मैं अभी दे देता हूँ डी ए आर के। देखो अब सारे के सारे कलर आ रहे डार्क ग्रीन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है, या फिर आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आरजीबी फॉर्मेट, यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू कितना देना है, कितनी वैल्यू होती है उसके देना है। तो रेड ग्रीन ब्लू, हर ये तीन कलर होते उसके 256 शेड्स होते हैं, 1 से लेकर 256। लेकिन हम 0 से कर रहे हैं, यानी कि 0 भी शेड आ जाएगा, यानी कि 255 शेड हो जाएंगी, यानी कि 0 एक गिना जाएगा और एक शेड 0 बन जाएगा, 1 = 0। ओके आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी ये लाइट ग्रीन हो चुका है। और ऐसे ही एक आईडी यूज होता है आईडी, लेकिन उसके लिए भी फिर से ऑरेंज हो गया। हमें लाइट ग्रीन चाहिए, तो आईडी को यूज़ करने के लिए हमें डॉट नहीं, एलिमेंट नहीं, हैशटैग यूज़ करना पड़ेगा। हैशटैग यानी कि आईडी। और वो देख सकते कि ये ग्रीन और ये ऑरेंज आ चुका है। जरा इसको मैं फिर से माइनस कर देता हूँ। अब देख सकते हैं कि ये ग्रीन और ये ऑरेंज, ऐसे हम स्टाइल करते। तो अब हमें इसको सेंटर में लाना है, तो उसके लिए हमें बॉडी टैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम दोनों बार तो सादा कोड नहीं ले सकते, कम चीज़ में सादा कोड हमें लिखना है। तो हमें सिंपल ये बॉडी टैग के अंडर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी टेक्स्ट को अलाइन कर दो सेंटर में। तो आप देख सकते कि ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो चुका है। ओके टेक्स्ट अलाइन बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। देन आप इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं, लेफ्ट को, बाय डिफॉल्ट तो ये लेफ्ट में ही रहेगा, अनदर राइट, अब ये राइट में चला गया। अब आएगा ये बॉटम में, BOTTOM बॉटम, आई थिंक बॉटम नहीं, हाँ बॉटम के लिए हमें देना पड़ेगा। ओके तो मैं अभी इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तब देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर अलाइन हो चुका है। तो गाइस आज इस वीडियो के लिए बस इतने। आई होप कि आपको स्टाइल समझ में आ गया।
कैसे सेलेक्ट करते हैं बॉडी, कैसे सेलेक्ट करते हैं आईडी क्लास, और आईडी क्लास कौन से टैग को कैसे बंद करें, क्लोज करें, ऑटो ऑटो क्लोज टैग, एट्रीब्यूट, सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आई होप गाइस कि आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।